गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आपका आपके अपने चैनल रेलवे पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है, जो रेलवे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उन्हीं सब क्वेश्चंस को आज सॉल्व कराऊंगा। तो ये हमारा 101 टेस्ट सीरीज नंबर 101 से लेकर टेस्ट सीरीज नंबर 131 तक हमारे जितने भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड रेलवे में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टेस्ट सीरीज नंबर है स्टैटिक जीके का, वो है 102। तो चलिए अब हम लोग वन बाई वन करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स जो है वो उत्तराखंड में है, कोयना परियोजना जो है वो कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है, और टिहरी बांध परियोजना जो है वो भील गंगा तथा भागीरथी नदी पर स्थित है, और शरावती परियोजना जो है वो शरावती नदी पर कर्नाटक में है, और हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, और उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर गुजरात में है, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है, और गंगा सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में इंदुलाल याग्निक ने लाया था। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराई थी। ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। सॉरी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। भारत के संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, और मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेदों 51 क में किया गया है, और 36वां जो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1959 से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार आप पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जा रहा है, और मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है, और कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जा रहा है, और ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, और इस समिति के सदस्य डॉक्टर आर गॉडगिल तथा वी के आर वी राव थे, और किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, और भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित हैं, और CSO की स्थापना जो है वो 1951 में की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सूर्य का जो चमकता हुआ सतह है वो फोटोस्फीयर सूर्य का बाह प्रभा मंडल कहलाता है। स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपर पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर स्थित गैस एवं अन्य पदार्थों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्रोमोस्फीयर सूर्य के वायुमंडल की दूसरी सबसे बाहरी परत है जो केवल सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आँखों को दिखाई देती है। क्रोमोस्फीयर प्रकाश मंडल और कोरोना के बीच स्थित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोपला विद्रोह जो है 1921 से 22 के बीच हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तिरुरांगड़ी के मस्जिद पर छाया तथा अधिक लगान एवं बेदखली था। नील विद्रोह जो है वो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859-60 ईस्वी के दौरान बंगाल में हुआ था। और अहोम विद्रोह जो है वो गोंधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 से 1833 ईस्वी में असम में हुआ था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए की थी। इंद्रधनुष योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अल्प लाभकारी स्थितियों से निकालने की एक योजना है। इस योजना के तहत 7 सूत्री उपायों के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके बैंकों की प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास किया जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। येन डैश की मुद्रा है, तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी माले तथा मुद्रा रुपया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल तथा मुद्रा वान है। और माली की मुद्रा फ्रैंक है। और भूटान की मुद्रा नगल्टम है। और मलेशिया की जो मुद्रा है वो रिंगिट है। और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो रुपया है। और थाईलैंड की मुद्रा बात है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियाजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना के बीच हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और बक्सर युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व गुरगीन खान ने किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। और 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 54 है, लेकिन खेलों में 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। इस खेल समारोह का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है। 21वीं राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 4 से 15 अप्रैल 2018 तक आयोजित किए गए। 21वें राष्ट्रमंडल खेल का जो शुभंकर बोरोवी नाम का कार्टून कैरेक्टर था। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्गिंगम इंग्लैंड में वर्ष 2022 में प्रस्तावित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? जो साहित्य अकादमी का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। और कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में इसके कार्यालय हैं। और आकाशवाणी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का जो मुख्यालय है वो पुणे में स्थित है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध जो गोल गुंबद है कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोलकुंडा का किला जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कोचीन का जो किला है वो केरल में स्थित है। और ढाई दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। और बूंदी का जो किला है वो बूंदी राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है।
और पादरी की हवेली पटना बिहार में स्थित है और हिलती मीनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला नरसंहार जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस लौटा दी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट लागू किया गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। लाल डलहौजी जो था अपने व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए कुख्यात है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उर्वरक क्रांति से भूरा रंग संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है और रजत क्रांति जो है वो भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है। और जो सुनहरी क्रांति का संबंध है वो बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति का जो संबंध है वो जूट उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। हरित सोना का क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है और धूसर या स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैवमंडल। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे जैवमंडल कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन के लिए सभी उपयुक्त अवयव उपलब्ध है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव वायुमंडल एटमोस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष माना जाता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई और जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और ध्रुवीय प्रदेशों में जैव विविधता कम पाई जाती है। जैव और अजैव संगठन से परितंत्र का निर्माण होता है। पृथ्वी पर सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल है जो जलीय जीव है और स्थल पर सबसे विशाल जीव हाथी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी की 18 की तरफ। लिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, और एक बात और इधर देख लीजिए विधान परिषद से रिलेटेड कि विधान परिषद का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP बराबर होता है GNP माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्य ह्रास। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब NNP कहते हैं। तो NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। यह किसी भी देश के आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत का संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार MN रॉय ने दिया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा निर्वाचित हुए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राय को नियुक्त किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिव कुमार शर्मा जो है वो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। निखिल बनर्जी प्रसिद्ध सितार वादक हैं। उस्ताद बिंदु खां प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। जुबिन मेहता प्रसिद्ध सिमझनी वादक हैं। और बिस्मिल्ला खां अली अहमद हुसैन खां प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और राजेंद्र प्रसाद प्रसन्ना बांसुरी वादक हैं। जाकिर हुसैन लतीफ खां और गुदई महाराज तबला वादक हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 49वीं समानांतर डैश के बीच सीमा रेखा है। तो 49वीं जो समानांतर रेखा है वो कौन कौन से देश के बीच है? तो 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। अब हम लोग कुछ देश के बीच के महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं के बारे में देख लेते हैं। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, इस प्रकार हमारा आज का स्टैटिक GK का टेस्ट सीरीज 102 का 23 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट का टॉपिक क्या है? सांस्कृतिक स्थल। ठीक है, स्थल वर्ष और राज्य। अजंता की गुफाएं किस वर्ष? 1983 में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं को कब मिला? 1983 में। किस वर्ष? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आगरा का किला को 1983 में यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिला है। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब ताजमहल को कब मान्यता मिला यूनेस्को के द्वारा? 1983 में, उत्तर प्रदेश। सूर्य मंदिर कोणार्क को 1984 में उड़ीसा में। महाबलीपुरम स्मारक समूह को 1984 में तमिलनाडु में। गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स को 1986 में गोवा में। खजुराहो स्मारक समूह 1986 में मध्य प्रदेश में। हम्पी स्मारक समूह 1986 में कर्नाटक में। फतेहपुर सिकरी स्मारक समूह को 1986 में, ये उत्तर प्रदेश में है। पतदकल स्मारक समूह को 1987 में, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। एलिफेंटा की गुफाएं को यूनेस्को द्वारा मान्यता कब मिली? 1987 में, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तंजावुर के जीवंत चोल मंदिर गगनकोंड चोलपुरम व दारासुरम को 1987 में और 2004 में। तमिलनाडु में सांची के बौद्ध स्मारक को 1989 में। मध्य प्रदेश में हुमायूं का मकबरा को 1993 में। दिल्ली में कुतुब मीनार स्मारक समूह को 1993 में दिल्ली में।
भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला को 1999, 2005 और 2008 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में। महाबोधि मंदिर बोधगया 2002 में बिहार में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैल आवास को 2003 में मध्य प्रदेश में चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, 2004 में गुजरात में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, 2004 में महाराष्ट्र में लाल किला स्मारक समूह, 2007 में दिल्ली में जंतर मंतर जयपुर, 2010 में राजस्थान में राजस्थान के पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, उमोन व गागरेन के किले आमेर और गागरोन के किले राजस्थान संग्रहालय के अधीन है, 2013 में राजस्थान में रानी की वाव, 2014 में गुजरात में नालंदा महावीर पुरातात्विक स्थल, 2016 में बिहार में कैपिटोल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, 2016 चंडीगढ़ में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, 2017 गुजरात में हरामप्पा मंदिर, 2021 तेलंगाना में और धोलावीरा, 2021 गुजरात में। तो इस प्रकार हमारा यूनेस्को के से जो मान्यता प्राप्त है वो स्थल और वो कब उनको मान्यता प्राप्त हुआ वर्ष और वो स्थल किस राज्य में है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। तो इस प्रकार हमारा आज का स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 102 यहीं पे समाप्त होता है। ये जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्न थे, ठीक है। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।